नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी आज सागर में संत रविदास मंदिर का करेंगे भूमि पूजन। सीएम गहलोत आज करेंगे विधायक आवास योजना का लोकार्पण। टोंक जिले के 2,48,204 परिवारों को मिलेंगे फूड पैकेट्स। महात्मा गांधी स्कूल 32% से अधिक शिक्षक चयन, प्रतिस्पर्धा से बाहर। और वायनाड दौरे पर निकले राहुल गांधी, कोयम्बटूर पहुंचे। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को सागर दौरे पर रहेंगे। वे यहां बड़तुमा में 100 करोड़ की लागत से संत रविदास महाराज के भव्य मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सभा स्थल ढाना पहुंचेंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे भारतमाला परियोजना के तहत 1,582,28,00,000 की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ की लागत से बने कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। राजस्थान आवासन मंडल के जरिए विधायक नगर पश्चिम में बने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस विधायक आवास परियोजना के फ्लैट्स का लोकार्पण शनिवार शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जबकि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ विशिष्ट अतिथि होंगे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और संवेदकों के साथ परियोजनाओं से जुड़ी अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में लाभान्वित परिवारों को 15 अगस्त से प्रति महीने मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स दिए जाएंगे। इसमें टोंक जिले में ऐसे लाभान्वित परिवारों की संख्या 2,48,204 है, लेकिन इन परिवारों का मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना का लाभ लेने के लिए महंगाई राहत कैंपों में पंजीकृत होना आवश्यक है। योजना में वितरण किए जाने वाले इन फूड पैकेट्स पर 1 माह में 8,09,14,504 रुपये प्रति माह खर्च होंगे। राजस्थान के 3200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए गुरुवार को शिक्षा विभाग की ओर से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल चयन परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर से 48,349 शिक्षकों और प्रिंसिपल ने ऑनलाइन आवेदन किया था। परीक्षा में 32,594 शिक्षक और प्रिंसिपल शामिल हुए। 15,755 शिक्षक परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षा में शिक्षकों की उपस्थिति का आंकड़ा 87.41% रहा। वहीं 32.59 उम्मीदवार गैर हाजिर रहे, ऐसे में वे चयन की रेस से बाहर हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को दिल्ली से वायनाड के लिए निकले। वो सुबह 9:30 बजे कोयम्बटूर पहुंचे, यहां से वायनाड जाएंगे। राहुल 12 और 13 अगस्त यानी 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे। राहुल यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सांसदी बहाल होने के बाद राहुल का ये पहला वायनाड दौरा है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के दौरे की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि वायनाड के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। रेल प्रशासन ने कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली 3 गाड़ियों का अहमदाबाद स्टेशन पर संचालन समय में आंशिक बदलाव किया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि रेल प्रशासन ने श्री माता वैष्णो देवी हापा, श्री माता वैष्णो देवी जामनगर व भावनगर टर्मिनल आसनसोल ट्रेनों के अहमदाबाद स्टेशन पर 10 से 15 मिनट का बदलाव किया है। इसी तरह गाड़ी संख्या 1, 2, 4, 7, 6 श्री माता वैष्णो देवी हापा साप्ताहिक एक ट्रेन 21 अगस्त को अहमदाबाद पर वर्तमान समय आगमन प्रस्थान 12:20 12:35 के बजाय परिवर्तित समय आगमन प्रस्थान 12:10 12:20 संचालित होगी। जयपुर एयरपोर्ट पर एयरलाइंस यात्रियों और एयरपोर्ट प्रशासन को धोखा दे रही है। 2 महीने पहले इंडिगो एयरलाइन को जयपुर से 3 नए शहर पटना, नागपुर, रांची के लिए फ्लाइट शुरू करनी थी। इसके लिए एयरलाइंस ने DGCA से शेड्यूल अप्रूव कराया था, लेकिन यह अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। फ्लाइट शुरू नहीं करने में इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा, अलायंस एयर आदि कई एयरलाइन शामिल हैं। यदि शेड्यूल की ये सभी 10 फ्लाइट शुरू होती हैं तो यात्रियों को कई शहरों के आवागमन के लिए नए विकल्प मिलते। गौरतलब है कि इंडिगो ने 3 नए शहरों की फ्लाइट की टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में इन्हें शुरू नहीं किया। उत्तराखंड सरकार भी अब सिख मर्यादा के तहत होने वाली शादियों को आनंद कारज एक्ट के तहत पंजीकृत करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले के बाद उत्तराखंड देश का 10वां राज्य बन गया है। बैठक में सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक इसमें आनंद विवाह
अधिनियम के तहत होने वाली शादियों को भी शामिल किया गया है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने उत्तराखंड सरकार के इस फैसले की सराहना की है। जयपुर में ऑल इंडिया पासपोर्ट कर्मचारी संगठन ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले लंबे समय से हम अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया। इसके बाद 9 से 11 अगस्त तक 3 दिवसीय देशव्यापी प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार फिर भी नहीं जागी। ऐसे में अब शनिवार को पासपोर्ट कार्यालय बंद रखने का फैसला किया गया है। अब भी मांगे नहीं मानने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार की ओर से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के पहले चरण के तहत लाभार्थियों को स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कतार में नहीं लगना होगा, बल्कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को जन आधार से पंजीकृत मोबाइल पर कॉल व मैसेज पूरी कर जानकारी पूरी दी जाएगी। राजस्थान के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि योजना के पहले चरण के तहत आगामी 30 सितंबर तक जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 22 स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं 16 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए 27 करोड़ 78 लाख रुपए झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में मिनी सचिवालय की विस्तृत परियोजना सहित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की रोकथाम के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गहलोत ने 27 करोड़ 78 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट्स को हर सवाल का जवाब देना होगा। कैंडिडेट्स ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग बदलाव के इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। ये नियम अगली भर्ती परीक्षा से लागू हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है और फिर भी अनिवार्यता के चलते किसी ऑप्शन पर टिक करने पर सवाल गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब प्रश्न पत्र में 5 ऑप्शन होंगे। सवाल का जवाब नहीं आने पर अभ्यर्थी 5वां ऑप्शन सेलेक्ट कर सकेगा। जोधपुर में MRI मशीनों की खराबी का दौर सुधर नहीं रहा है। महात्मा गांधी अस्पताल की MRI मशीन 2 दिन चलने के बाद फिर खराब हो गई। इसके चलते MDM में हाल ही में सही हुई मशीन पर फिर से भार पड़ेगा। जानकारी के अनुसार मशीन में भरी हीलियम फिर से लीक हो गई है। इसकी जांच के लिए मशीन इंजीनियर रिपोर्ट जापान हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। हालांकि मशीन कब सही होगी इसके बारे में कोई कुछ भी कहने से बच रहा है। सूत्रों की माने तो मशीन को सही कराने में हाल ही में करीब 70 लाख की लागत आई, लेकिन 2 दिन चलने के बाद अब फिर से बंद हो गई है। वंदे भारत सुपर फास्ट ट्रेन के उदयपुर से लेकर जयपुर तक के रूट का रविवार को ट्रायल होगा। इस रूट में भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर भी वंदे भारत ट्रेन को 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। रविवार को होने वाले इस ट्रायल को लेकर रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस रूट पर वंदे भारत का ये पहला ट्रायल है। सफल ट्रायल के बाद इस रूट पर जल्द ही वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं को रेलवे शुरू कर देगा। रेलवे की ओर से रविवार को होने वाले इस ट्रायल का टाइम टेबल भी जारी किया गया है। सुबह 8:10 पर ट्रेन उदयपुर से रवाना हुई। खींवसर से RLP के विधायक नारायण बेनीवाल ने कहा है कि कांग्रेस BJP दोनों दलों के नेता भ्रष्टाचार करके अपने लोगों को बचा लेते हैं। वहीं किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल आज देश में कर्ज मुक्त किसान की परिकल्पना करता है। बेनीवाल टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने ये बात सीकर के बद्री विहार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। वहीं भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग ने कहा कि पार्टी उनकी विचारधारा वाले छोटे दलों से गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।